नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। हमने जो चैप्टर अपना शुरू किया था कल, वो था स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का। आज उसका दूसरा लेक्चर है, आज उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं भैया? दूरी सूत्र हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, उसके ऊपर आधारित एक दो उस सवाल हम लोगों ने किए थे, ये वाले। ठीक है, फिर हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था कि भाई दो पॉइंट अगर दे रखे हैं, उनके बीच में अगर हमें कोई पॉइंट पता करना है जो इनको M1 M2 के रेशो में डिवाइड कर दे, तो ये डिस्कस हम कर चुके हैं। इसके ऊपर आधारित सवाल भी हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, आज डिस्कस क्या करेंगे? आज डिस्कस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, रेखा की प्रमणता। ये दो तीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, मान लो आपके पास तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, ए बी और सी। ए है आपका एक्स वन वाई वन, बी है आपका एक्स टू वाई टू और सी है आपका एक्स थ्री वाई थ्री। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया बताओ, ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया बताओ, यानी किसने कितनी जगह यहां पर घेरी हुई है। तो देखो, इसका एरिया कैसे बताएंगे? तो इसके एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, वो है वन बाय टू एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। ये एरिया का सिंपल फॉर्मूला है, इसके द्वारा इजीली आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक बात और, हो सकता है कि ये जो एरिया है नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, तो दोनों ही केस में हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, चलो जैसे फॉर एग्जांपल हमें भाई इसका एरिया पता करना है। ये है वन टू थ्री फोर और फाइव सेवन, ये एरिया हमें पता करना है कितना है। तो किन्हीं भी पॉइंट को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री मान लो ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, ये एक्स थ्री वाई थ्री है। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया इस वाले फॉर्मूले से? तो ये एरिया आ गया वन बाय टू, एक्स वन क्या है, एक्स वन बाई वन है वन टू, वन टू वन, एक्स टू वाई टू है थ्री फोर, थ्री फोर वन, और एक्स थ्री वाई थ्री है फाइव सेवन, फाइव सेवन वन। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या आया? तो ये डिटर्मिनेंट आएगा आपका वन इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी चार माइनस के साथ, फिर माइनस का दो इंटू तीन माइनस पांच, और प्लस का वन इंटू सात या इक्कीस में से बीस गया तो एक, या इक्कीस माइनस के बीस, ये बना, जो कि क्या है वन बाई टू माइनस का तीन, और ये आया माइनस का दो और फिर प्लस का दो हो गया, यानी प्लस का चार, और यहाँ पे बचा एक। तो कितना बना ये? पांच में से तीन गया दो, और दो को दो से डिवाइड किया एक, तो इसका एरिया आ गया एक यूनिट। ठीक है, कितनी जगह घिर रहा है ये? एक यूनिट जगह घिर रहा है, इसका आंसर आ गया। अब देखो इसके अंदर किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक सवाल ये बन सकता है कि भाई यहां पर कह दे कि यहां पे जो नंबर है, एक सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि भाई अगर इसका वन कॉमा के थ्री फोर और फाइव सेवन ये नंबर दे रखे हैं, और एरिया आपको दे रखा है कितना? एरिया आपको दे रखा है, सपोज इसका एरिया दे रखा है सात, और आपसे पूछा गया है के बताओ।
आपसे क्या पूछा गया है, के बताओ। तो के कैसे बताओगे, तो के बताने के लिए करना कुछ नहीं है, एरिया को 7 के बराबर रख देना है, आपका के आ जाएगा। ठीक है, जैसे लेकिन 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 इसमें साइन आप प्लस का रखो, सॉरी उस एरिया के फॉर्मूले मॉड जरूर लगाओगे, क्योंकि वहाँ से आपका प्लस का भी आ सकता है, एरिया माइनस का भी आ सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा x1y1 है, ये x2y2 है, ये x3y3 है। तो देखो एरिया से ये कितना आया, एरिया दे रखा है 7, जो कि बराबर आएगा 1/2 मॉड x1y1 1, तो x1y1 1, x2y2 1, x2y2 1, x3y3 1, x3y3 1, ये आया। और यहाँ पे हम मॉड और लगाएंगे ताकि हमें जो है वो दो वैल्यू मिल जाए, वरना आप एक वैल्यू मिस कर दोगे। तो देखो ये कितना आया, 7 = 1/2 मॉड, किसका मॉड, ये भाई मॉड का निशान है, याद रखना। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, 1 × ये कितना था, 4 था ना, 4 में से 7 गया, तो -3, माइनस का के, फिर 3 में से 5 गया तो हो गया -2, और प्लस का 1, 21 में से 20 गया वो 1 आ गया, तो ये कितना बना, 1/2 मॉड, और माइनस का ये हो गया प्लस का 2k, यहाँ पे है -3 और प्लस का 1, तो -2, और ये चीज़ है 7 के बराबर, 2 को वहाँ ले गए तो ये आ गया 14, और यहाँ पे आया मॉड 2k - 2। ठीक है, अब इसको कैसे ओपन करें, तो इसको ओपन करने के लिए ऐसे लिख लो कि भाई ये 2k - 2 जो है इसकी मॉड वैल्यू 14 है, तो यानी कि ये जो है या तो 14 हो सकता है या -14 हो सकता है। k निकालना है, 2 को उधर ले जाओ, तो 2k आपको आ गया +-14 +k 2, प्लस का लेंगे 14 में से 2 गया 12, और माइनस का लेंगे तो -14 -2 तो -16, तो 2k जो है या तो 12 होगा या -16 होगा, तो यहाँ से k कितना आ गया, या तो 6 या -8, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। और क्या सवाल बनाया जा सकता है, और ये सवाल बनाया जा सकता है कि भाई अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो तो k की वैल्यू बताओ। तो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में हैं तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना आएगा, 0, तो यानी कि इस वाली चीज़ को 0 के बराबर रख देना तो एरिया मिल जाएगा। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो k कितना मिलेगा, तो k 1 आ जाएगा यहाँ से। तो ऐसे भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। जरूरी नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकले, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, उनका एरिया कैसे निकाला जाए। जैसे सपोज हमें इसका एरिया निकालना है, ये चतुर्भुज है ABCD, ये मान लेते हैं x1y1 है, ये x2y2 है, ये x3y3 है, और ये x4y4 है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करो आप लोग, इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। कैसे, या तो ऐसे कर लो, दो त्रिभुजों में डिवाइड कर लो और दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के जोड़ दो, एक ये वाला एरिया, दूसरा ये वाला एरिया। ये वाला और इन दोनों को जो है आपस में मिला के जोड़ देना। लेकिन यहाँ पे भी एक वो बात ध्यान रखनी जो मैंने आपसे कही थी कि भाई हो सकता है एक प्लस का एक माइनस का है, तो उस माइनस को इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि एरिया हमें प्लस में लेना है। तो सिंपल इस तरीके से सवाल आप कर सकते हो। अगला देखो,
अगला सवाल देखो, ये बड़ा प्यारा सवाल है। इसके अंदर कहा गया है कि भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 इकाई है, यदि इसके दो शीर्ष 2,1 और 3,-2 हो तथा तीसरा शीर्ष इस रेखा पर हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 यूनिट इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2,1 एंड 3,-2 एंड द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन y=x+4 देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। ये आपसे पूछा गया है। सिचुएशन क्या है यहाँ पर? सिचुएशन ये है कि भाई कोई एक लाइन है और इस यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं त्रिभुज के, एक पॉइंट है 2,1, दूसरा पॉइंट है 3,-2 और तीसरा जो है वर्टेक्स है इस लाइन के ऊपर है। ये लाइन क्या है? y=x+4। तो इसके ऊपर ये कहीं पर है, पता नहीं कहाँ पे है, ये ए, ये बी और ये सी। अब आपसे पूछा है कि भाई ए बताओ, ठीक है, लेकिन इसने हमें एक चीज और बता रखी है कि यहाँ पे जो एरिया है वो कितना है, एरिया जो है वो 5 यूनिट है, ठीक है। तो इसको देखो, सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीकों से आप जो है इस सवाल को कर सकते हो। जैसे एक तरीका तो ये है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अब लाइन के ऊपर क्या पॉइंट ले, तो लाइन के ऊपर एक काम करो, एक्स को तो मान लो आप से टी, और वाई कितना आ जाएगा, तो वो t+4 आ गया। वाई कितना आ गया? t+4। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया t, t+4, और इसका जो एरिया है इसको 5 के बराबर रख दो तो वहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएंगी। तो करते हैं चलो इसको, तो इसका एरिया कितना है 1/2 और x1 y1 यानी कि t t+4 और 1, x2 y2 1 यानी कि 2 1 1 और तीसरा 3-2 और ये 1। और इसको किसके बराबर लेंगे, तो +-5 पहले ही कर देते हैं, उस मोड का चक्कर ही नहीं रखते। 2 उधर गया तो ये -10। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे t, तो 1-2 तो 3 आ गया प्लस का, फिर माइनस का t+4। यहाँ पे कितना आया? 2 में से 3 गया माइनस के 1 और फिर प्लस का 1। -4 -3 तो -7 बराबर आ गया +-10, क्योंकि ये 2 यहाँ से यहाँ आया था। तो यहाँ से बना हमारा 3t और ये माइनस प्लस प्लस का t हो गया और यहाँ से -4 प्लस का 4 हो गया और ये -7 बराबर +-10। तो 4t -3 इधर गया तो +3 तो +-10 और +3। तो अगर आपने ये इसको ले लिया, कितना प्लस का लिया तो 10 और 3 13 और माइनस का लिया तो -10 + 3 - -7। तो टी कितना आ गया? या तो 13/4 या -7/4। तो टी की आपको ये वैल्यू मिली 13/4 या -7/4, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें टी नहीं निकालना, हमें तो वर्टेक्स ए निकालना था। तो वर्टेक्स ए हमने क्या माना था? t, t+4। तो t, t+4 ये है, ये हमारा वर्टेक्स था। तो अगर टी को 13/4 ले लें तो वर्टेक्स आपको ये मिलेगा 13/4 और 13/4 + 4 जो कि आपका क्या बना 13/4 और 16 और 13। 16 और 13 कितना बनेगा? 16 और 13 बना 39, है ना? नहीं, 16 और 13 कितना बना भाई? 29/4 ये आया। और t को आपने -7/4 लिया तो -7/4 और -7/4 + 4
तो आपको ये मिला माइनस के 7/4 कॉमा, और ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 1/4, तो ये वर्टेक्स हो सकता है। तो पॉइंट ए के आपको दो वर्टेक्स मिले। अच्छा, ये दो आ क्यों रहे हैं ये भी सोचते हैं जरा। ये दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया 5 यूनिट है, जरूरी नहीं है यहाँ पे इधर मान लो यही 5 यूनिट हो सकता है जब ये पीछे जाए तो कहीं नीचे की तरफ भी कोई पॉइंट मिल जाए जहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का एरिया 5 यूनिट बन जाए, ठीक है ना। देखो ये एरिया कितना होता है, बेस इनटू हाइट, तो जितनी ऊंचाई यहाँ पर है उतनी नीचाई पर जो इसका पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक उतनी नीचाई पर जो पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट ये आ गया है, कहाँ गया ये वाला। इसीलिए इसके दो आंसर आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि भैया मॉड लगाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि सवाल के अंदर जो जिसमें माइनस का साइन नहीं लगाओ वो वाला उत्तर दे दे, और जो प्लस वाले साइन से उत्तर आ रहा है उसको ना दे। तो आप पूरा सवाल सॉल्व कर लोगे लेकिन तब भी आपसे गड़बड़ हो जाएगी, तो इन गड़बड़ों से इसीलिए बचना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया त्रिभुज का। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेखा की प्रवणता के बारे में। रेखा की प्रवणता क्या होती है, ठीक है। तो रेखा की प्रवणता होती है कि भाई वो जो कोई लाइन है आपके पास, सपोज आपके पास एक 2D में एक लाइन है, तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है उसको नापने के लिए एक हमने छोटी सी चीज डिफाइन करी है जिसको हमने नाम दिया है प्रवणता, यानी कि स्लोप, ठीक है। अब ये है क्या, ये है कि ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इस वाले एंगल के लिए 10 थीटा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो स्लोप क्या है, तो स्लोप है 10 थीटा, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम से। फिर से ध्यान दो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, एक बात और, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा उसके लिए 10 थीटा, ठीक है ना। दोनों बातें याद रखनी है, एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे गड़बड़ मत करना, ठीक है। जैसे सपोज हमें इस लाइन की प्रवणता पता करनी है, यहां पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 10 30 डिग्री, यानी कि 1/√3। ओके, एक और देखो, मान लो हमें इसकी प्रवणता देखनी है, यहां पे एंगल दे रखा है सपोज 60 डिग्री, और हमसे कहा गया है इसकी प्रवणता निकाल लो। तो देखो प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस से इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना पड़ेगा, यानी ये, तो ये एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये भी 60 है, ये 60, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये 90, तो ये 30 है, तो ये 10 30, इसकी प्रवणता कितनी आ गई, 1/√3। ओके, एक और एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पे आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और आपसे कहा गया है कि इसकी प्रवणता बताओ, तो इसकी प्रवणता बताने के लिए आपको इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल लेना है ना कि ये वाला। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो एंगल ये वाला भी है लेकिन हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना बनेगा ये एंगल, तो देखो ये यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये 30, ये 90, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 120 डिग्री,
तो हम इसका जो प्रवणता आई है कितनी आई है, टेन 120 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, तो माइनस का टेन थीटा, तो माइनस का रूट थ्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाली बात छोटी सी है, याद रखिएगा स्लोप निकालने के लिए। अच्छा, स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और है। क्या है दूसरा फॉर्मूला? वो दूसरा फॉर्मूला ये है कि भाई मान लो ये एक लाइन है और इसके ऊपर दो पॉइंट दे रखिए, ये याद रखना, ये भरपूर यूज होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये भरपूर यूज होता है। जब तक आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमें पॉइंट दे रखा है एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर, और दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू, और हमें इसकी स्लोप पता करनी है लाइन की, यानी इस वाले एंगल के लिए टेन थीटा पता करना है। तो देखो, टेन थीटा कैसे पता करें जबकि हमें सिर्फ ये पॉइंट पता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। एक काम करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ये रहा, एक परपेंडिकुलर ये रहा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है वाई वन, ये डिस्टेंस है वाई टू, ये डिस्टेंस है एक्स वन, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है एक्स टू। डेफिनेशन से है ना, ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेट्स की। तो एक काम किया, यहां से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली डिस्टेंस जितना एंगल लिए है उतना ही एंगल लिए बनेगा। तो टेन थीटा अगर हमें निकालना है तो टेन थीटा का ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर कितना है, ये पूरी दूरी है y2 और ये दूरी है y1, ये y1 है तो ये भी y1 है और ये पूरी y2 है, तो ये बची हुई कितनी आ गई, y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1। ठीक इसी तरह ये पूरी दूरी है x2, ये है x1, तो ये आ गई x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा सा ये बात सोचिएगा कि अगर ये x2 माइनस x1 है ये वाली, तो ये भी x2 माइनस x1 क्यों है। ठीक है, मैथ में सब चीज़ें लॉजिक के द्वारा ही चलती हैं, ऐसे नहीं है कि सर जी ने कहा कि ये x2 माइनस x1 तो ये भी x2 माइनस, इसके पीछे कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग पता कीजिएगा, और ये फॉर्मूला याद रखना स्लोप का, क्या है फॉर्मूला फिर से मैं दोहरा देता हूँ, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, सपोज जैसे हमें यहाँ पे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है आपका 2 कॉमा माइनस के 3 और एक पॉइंट है 5 कॉमा 2। आपसे कहा जा रहा है इस लाइन की स्लोप बताओ। ठीक है, तो आप इसमें जिसको मन करे उस पॉइंट को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो। तो मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो स्लोप क्या आ गई इसी फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस y1 क्या है माइनस के 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस के 2। तो ये आया 5 और ये आ गया 3, 5/3, तो इसकी स्लोप आ गई 5/3। ठीक है, तो ये, और इसमें विशेष तौर पे यहाँ पे गलतियाँ मत करना, वहाँ पे अगर माइनस के 3 हो तो माइनस के 3 ही आएगा, यहाँ पे एक बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्लोप को लेकर कुछ छिटपुट सवाल किस तरीके से बन सकते हैं। एक सवाल ये बन सकता है, क्या जी स्लोप दे रखी है, एक सवाल ऐसे बन सकता है कि भाई ये लाइन है, इसकी स्लोप दे रखी है सपोज से 5
और एक पॉइंट दे रखा है 1.2, एक पॉइंट दे रखा है 5K, तो बताओ जी के की वैल्यू कितनी है। तो के की वैल्यू आप ऐसे बता दो, सिंपल स्लोप को 5 के बराबर रख देना, है ना। तो ये x1 / 1, ये x2 / 2, तो स्लोप कितनी है y2 - y1 यानी k - k2 / x2 - x1 यानी कि 5 - k1। तो k - k2 / ये आ गया 4। इस 4 को ये 5 के बराबर है, सब कुछ ये उधर ले गए 20 और 2 22, तो k आ गया 22। हो गया इस तरीके से सवाल। या ऐसे दे सकता है कि भाई 3 पॉइंट आपको कोलिनियर दे रखे हैं, कहेगा कि बताओ k की वैल्यू। मान लो आपसे जो है ये सवाल दे दे कि भाई एक पॉइंट है 1.2, एक पॉइंट है 5.7 और एक पॉइंट है 6.k। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो k की वैल्यू बताओ। तो देखो ये सवाल कैसे करेंगे, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि भाई जो स्लोप इसकी है वही स्लोप इसकी है और वही स्लोप इसकी भी है, तो वहाँ से आप इजीली k की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो जैसे सपोज ये करते हैं कि जो स्लोप इसकी है वही स्लोप इसकी रख देते हैं, तो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 7 - k2 और अपॉन 5 - k1। इसकी स्लोप कितनी है, वो है k - k7 अपॉन 6 - k5। तो ये आया भाई 5/4 k - k7 अपॉन 6 - 5 = 1। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो k कितना आ गया, इसमें 7 जोड़ दो, 7 + 5/4। ये सिंपल सिंपल सवाल कभी कभी बन जाते हैं। तो 7 * 4 = 28 और 5 = 33/4 ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसके द्वारा कोलिनियर टीवी आप दिखा सकते हो आसानी से। लेकिन अब शुरू होती है यहाँ से असली बात, रेखा का समीकरण, ठीक है ना, रेखा का समीकरण। कि आपको अगर देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होती है, ये क्या बनाती है, हमेशा इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो हमेशा एक लाइन बनकर आएगी। जैसे सपोज ये इक्वेशन है 2x - k3y + k5 = 0, इसका ग्राफ बनाओगे लाइन बनकर आएगी। आप लोगों ने बनाया भी होंगे ग्राफ वगैरह। तो पहले क्या होता था, इक्वेशन दे रखी होती थी, लाइन बनानी होती थी। अब क्या होगा कि भाई लाइन के बारे में कुछ बातें आपको बता रखी होंगी और आपसे कहा जाएगा कि लाइन की इक्वेशन बताओ, लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मान लो आपको लाइन के बारे में पहले केस में दो बातें पता रखी हैं। एक बात तो ये बता रखी है कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप आपको पता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट पता है। मान लेते हैं ये सी है और आपसे कहा गया है कि लाइन की स्लोप पता, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो उस लाइन की इक्वेशन देखो कैसे बताएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, और ये पॉइंट है आपका, अगर ये डिस्टेंस सी है तो ये पॉइंट आपका है 0, c, ओके। और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं x, y, ये क्या है, ये वेरिएबल पॉइंट है। क्या है भाई, ये वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, ये फिक्स पॉइंट है। तो देखो स्लोप की डेफिनेशन क्या थी, स्लोप की डेफिनेशन थी y2 - y1 / x2 - x1, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ x1 / y1, इसको मान लेता हूँ x2 / y2।
तो स्लोप की डेफिनेशन थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं सॉरी y1 आपका c है, अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये, तो ये x आया, x को वहाँ ले गए, तो y माइनस c बराबर आ गया mx। तो यहाँ से क्या मिला आपको, y इक्वल टू mx, और इधर ये c आया तो प्लस का c हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जिसका y इंटरसेप्ट क्या है, वो c है, और स्लोप जिसकी m है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो ये है कि भाई जो c है ना, वो आप साइन के साथ रखोगे, यानी अगर इंटरसेप्ट ऊपर कट रहा है तो प्लस लोगे, अगर लाइन आपकी कुछ ऐसे जा रही है कि भाई वाई एक्सिस को नीचे की तरफ काट के जा रही है, तो इंटरसेप्ट को आप माइनस साइन के साथ लोगे। ओके, जैसे सपोज ये वाली इक्वेशन है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ये एक्स एक्सिस इसका एंगल है सपोज 60 डिग्री, और वाई इंटरसेप्ट है इसका सपोज 2, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, स्लोप आ गई टेन 60 डिग्री, यानी कि रूट 3। तो इस और इसकी इक्वेशन क्या है, वो है एम एक्स प्लस सी, अभी अभी बताया। तो यहाँ से आपको मिला वाई इक्वल टू रूट 3 एक्स, और c है आपका 2, ऊपर की तरफ कट रहा है इसीलिए प्लस का 2। ये सिंपल लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर मान लो सिचुएशन ऐसे होती तो कि यहां पे ये इंटरसेप्ट कट रहा है 3 नीचे की तरफ, और ये आपको एंगल दे रखा है सपोज 45 डिग्री, और आपसे ये कहा है कि भाई लाइन की इक्वेशन बताओ, तो लाइन की इक्वेशन बताने के लिए स्लोप पता हो और ये इंटरसेप्ट पता हो। तो यहाँ से देखो, स्लोप पता करने के लिए हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है 135, तो स्लोप आ गई टेन 135, ये होती है माइनस के 1। और यहाँ पे C चूंकि नीचे की तरफ है तो माइनस के 3 लोगे, तो लाइन की इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू m, m है माइनस के 1, x और c, c है माइनस के 3, तो y इक्वल टू माइनस x माइनस 3, सबको धर ले जाओ, तो x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि लाइन की ये इक्वेशन हम लोगों ने कैसे निकाल ली। अच्छा, ये वाली जो फॉर्म है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं ना, y इंटरसेप्ट दे रखा है, स्लोप दे रखी है, तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी में इसका नाम है प्रवणता अंतःखंड रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप, ठीक है, क्योंकि प्रवणता भी दे रखी है और वाई एक्सिस पे अंतःखंड भी दे रखा है। अब ये वाली जो आपने पढ़ी है ये इक्वेशन, इसका एक दूसरा फायदा भी है, आप इससे उल्टा काम भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इससे उल्टा काम भी कर सकते हो। अगर आपको m पता है और c पता है तो इक्वेशन निकाल सकते हो, और अगर इक्वेशन पता है तो m और c भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, ये सीखो ऐसे कि भाई मान लो हमें ये इक्वेशन पता है 2x प्लस 3y और माइनस के 6 इक्वल टू 0, हमसे कहा गया है कि भाई इसका m बताओ, ठीक है, और y इंटरसेप्ट बताओ, जिसको c कहते हैं,
ये कैसे बताया जाए? तो एक काम करते हैं, इस लाइन की जो शक्ल है अभी तो ये ऐसी है, इसकी शक्ल हम ऐसी बना देते हैं y बराबर mx प्लस c टाइप की। तो जैसी ये वाली लाइन इस तरीके से दिखनी शुरू हो जाएगी तो जो x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा वो स्लोप हो जाएगी और जो यहाँ पे अकेला बैठा रहेगा वो हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ओके, तो कैसे बनाई जाए भाई? एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें y अकेला छोड़ना है और बाकी सबको उधर पहुँचाना है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर 3y को तो यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये आपकी मिली 3y बराबर माइनस का 2x प्लस का 6, ये आया। अब इसमें 3 से डिवाइड कर लो क्योंकि y को अकेला छोड़ना है। तो माइनस का 2x बाय 3 और 3 से डिवाइड किया तो 2, ये आंसर आ गया। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे m कितना है? तो m है माइनस के 2/3, है ना? m कितना आया? माइनस के 2/3। और c कितना बना? c आपका 2 आ गया। सिंपल, इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। ओके, तो ये थी एक फॉर्म लाइन की। एक दूसरी फॉर्म और होती है, जबकि आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखी हो। ओके, सेकंड फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये भी भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये खूब आपके काम आने वाली है। जब तक पढ़ोगे तब तक ये काम आएगी, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे। हिंदी में इसका नाम क्या है? बिंदु प्रवणता रूप। बिंदु प्रवणता रूप क्यों ऐसा नाम दिया गया है? ऐसा नाम इसलिए दिया गया है कि भाई मान लो ये एक लाइन है, आपको इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, से x1 y1 फिक्स पॉइंट है। ठीक है ना? ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि अचर बिंदु, अपनी जगह रुका हुआ है। और इसकी स्लोप भी आपको पता है, सपोज m। एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं x, y, ये है चर बिंदु यानी कि वेरिएबल पॉइंट। ये पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल ली जाए? तो एक काम करते हैं, स्लोप की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन स्लोप की? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही थी ना डेफिनेशन। तो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y1, x2 माइनस x1 यानी x माइनस x1। बस यहाँ से इक्वेशन आ गई, इस x माइनस 1 को वहाँ पहुँचा देंगे तो आपको ये मिला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये याद रखना, ये भरपूर काम में आने वाली इक्वेशन है, खूब इसका यूज होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर m क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है। m है लाइन की स्लोप और x1 y1 है वो एक फिक्स पॉइंट जो लाइन के ऊपर आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, चलो जैसे छोटा एग्जांपल देखते हैं कि भाई मान लो ये एक लाइन की स्लोप दे रखी है माइनस के 3 और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, 5। आपसे कहा जा रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस y1, y1 है ये, इक्वल टू m, m है ये, x माइनस x1, x1 है ये। तो ये कितनी बनी?
वाई माइनस फाइव इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6, सबको इस तरफ ले आते हैं तो 3x प्लस का वाई और ये माइनस का 6 हुआ तो माइनस के 11, ये आंसर आ गया। ठीक है, इजीली ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो गई। तो अभी के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि अगर एक ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे पता किया जाए जबकि हमें उसके तीनों वर्टेक्स पता हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है तो उसका एरिया कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए हम उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक कर लेंगे, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या डिस्कस किया? फिर हमने डिस्कस किया कि भाई रेखा की प्रवणता कैसे निकाल ली जाए, उसके सवाल डिस्कस किए। फिर प्रवणता के दो सूत्र देखे, एक टेन थीटा और एक वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर हमने प्रवणता का दूसरा सूत्र देखा, कौन सा वाला सूत्र देखा? कहाँ गया भाई? ये वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर हमने रेखा का समीकरण देखा कि रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाए। तो अगर आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है और प्रवणता दे रखी है तो रेखा का समीकरण ऐसे निकाला जाएगा, ये डिस्कस किया। फिर तीसरी चीज डिस्कस की कि अगर आपको, फिर यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि अगर रेखा का समीकरण दे रखा है तो उससे उसकी प्रवणता और y इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। और फिर बिंदु प्रवणता रूप कि अगर एक लाइन की प्रवणता यानी कि उसकी स्लोप और उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल ली जाए। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। अभी आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी जो फॉर्म होती हैं लाइन की, अंत्यखंड अंत्यखंड रूप नॉर्मल रूप, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। खुश रहो, मौज करो, मस्ती करो, अच्छे से दिवाली मनाओ। आपको और आपके पूरे परिवार को एग्जामपुर की टीम की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।